आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को एक नई रूपरेखा में पुनः स्थापित किया गया है। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताब्दी पहले क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का नवीकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े स्थल को सम्मान और संवेदना की अनुभूति के साथ पुनः स्थापित करता है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद ताजा करता है, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक स्मारक की अनुभूति की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से। यहां से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभव करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोल्लास का। प्रांगण में स्थापित जलकुंड शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण, रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटनाचक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। चौथी गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी। शहीदी स्मारक, मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहां हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गरिमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा।